चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। जय हिंद स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ आंख में होने वाली बीमारियों के बारे में, जिसको हम कहते हैं आइस डिफेक्ट। हमारे पास आज पढ़ने के लिए दो टॉपिक हैं, दो तरीके की आंख की बीमारियां हैं। एक का नाम है हमारा दूरदृष्टि दोष और एक का नाम है हमारा निकट दृष्टि दोष। यहाँ आपके सामने मैंने एक डायग्राम अरेंज किया हुआ है जो हमारा दूरदृष्टि दोष को शो कर रहा है। यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हैं, आपके लेफ्ट साइड में EFPTOZ नाम के कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, बट हमको ये साफ दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। और जबकि राइट हैंड साइड में हमारी प्यारी नेत्रिका बनी हुई है जिसमें कुछ बीमारी हो चुकी है। यहाँ पर सबसे बाहर वाली साइड में हमारे पास है दृढ़ पटल, इसके अलावा पीछे की तरफ हमारी शिराएं बनी हुई हैं और यहाँ पर बनी हुई हैं ये मांसपेशियाँ। मांसपेशियों के ठीक बीच में लगा हुआ है हमारा एक लेंस जो कि है उत्तल लेंस, यानी अभिसारी लेंस। इसके अलावा लेंस के ठीक पीछे भरा हुआ है कांचाव द्रव, कांचाव लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पर यह बात क्लियर देखी जा सकती है कि आँख से इस वक्त हमें देखने पर इमेज बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें क्या करें, तो हमें एक काम करना होगा, यहाँ पर एक अभिसारी यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना होगा इस बीमारी को दूर करने के लिए। असल में इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में हमें जो दूर की वस्तु होती है वो तो हमें साफ दिखाई देती है, लेकिन जो हमें निकट की वस्तु होती है वो साफ दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेत्र का जो ये गोला है भैया गोला, इस गोले की जो त्रिज्या होती है वो कम हो जाती है, यानी गोला जो है हमारा छोटा हो जाता है। और इमेज पहले जो दृढ़ पटल पर बन रही थी, अब वो हमारी इस स्क्रीन के बाहर बन रही है, यानी इमेज हमें साफ दिखाई नहीं दे रही। तभी हमने जादू किया और यहाँ पर लेके आ गए एक लेंस। इस लेंस का नाम है उभय उत्तल लेंस। अब डॉक्टर साहब करते क्या है, इस लेंस को आपकी आँख के सामने रखते हैं और लेंस की फोकस दूरी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अरे भैया ये तो कमाल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज ऑटोमेटिक साफ होती चली जा रही है और करते 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 आई थिंक अब इमेज बिल्कुल साफ हो चुकी है। और इस तरीके से इस लेंस की फोकस दूरी को नोट कर लिया जाता है और इसी फोकस दूरी का लेंस आपके चश्मे में लगा के आपको थमा दिया जाता है, भैया पहन लो इस चश्मे को क्योंकि अब आपकी बीमारी जो है वो ठीक हो चुकी है। इसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उभय उत्तल लेंस का इस्तेमाल इस डायग्राम की तरह किया जाता है। और अगर मैं लेंस हटा दूं, दोबारा से वही बीमारी हमें फिर मिल चुकी है और इमेज हमारी इस दृढ़ पटल के बाहर बन रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बीमारी की तरफ। नेक्स्ट बीमारी में हम दिखाते हैं आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन हमें दूर की वस्तु बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं देती। जैसे कि अभी हमें दूर की वस्तु बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या किया, भाई यहाँ पर एक चश्मा लगाया। चश्मा कैसा भाई, हमने लगाया यहाँ पर अवतल लेंस, बोले तो उभय अवतल लेंस। तो जैसे मैंने यहाँ उभय अवतल लेंस लगाया तो ये जो हमारे लेफ्ट साइड की इमेज है ये मुझे अब भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं लेंस की फोकस दूरी को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ और इमेज हमारी खिसकते हुए दृढ़ पटल पे पहुँच चुकी है और इस टाइम हमें इमेज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस उभय अवतल लेंस ने हमारे इस ऑब्जेक्ट से आने वाली प्रकाश किरणों को हमारी आँख की दृढ़ पटल पर फोकस कर दिया है। अब इस समय इमेज हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे, सर एक काम करो, इस लेंस की फोकस दूरी को थोड़ा सा और बढ़ा ही दो। चलो मैं बढ़ा कर देखता हूँ। जैसे मैंने बढ़ाया तो इमेज आउट ऑफ सिलेबस हो गई, और जैसे इमेज आउट ऑफ सिलेबस हुई तो मुझे लगा भाई दोबारा से हमें पुरानी वाली स्टेज में आना पड़ेगा, और पुरानी स्टेज में आने के बाद इमेज मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अगर हमको निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो हमें उभय अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होगा, और अगर हमें निकट दूरदृष्टि दोष को दूर करना है तो हमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इमेज भी तैयार कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं, बोर्ड के जो प्रैक्टिकल्स होने वाले, उसमें भी इस डायग्राम को तैयार कर सकते हैं। तो यह हमारा दूरदृष्टि दोष का एक डायग्राम बना हुआ है और नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा एक निकट दृष्टि दोष का एक इमेज बन चुका है। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा था, सर आप मानव नेत्र के बारे में भी थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर दें, सर मानव नेत्र में क्या क्या होता है। असल में मानव नेत्र जो होता है एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र होता है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें सबसे बाहर वाली जो पटल होती है इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि लाल लाल पर्पल पर्पल जो हैं ये मांसपेशियाँ हैं, और इन मांसपेशियों के बीच में हमारा एक लेंस लगा हुआ है और इस लेंस का नाम है उभय
उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस, इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है गाइज। और इसके अलावा यहाँ अंदर की ओर एक लेयर और बनी हुई है और लेयर के अंदर भरा हुआ है कांचाव द्रव। कांचाव द्रव के अलावा यहाँ पर लाल पर्पल फिरोजी टाइप सी कुछ लाइंस बनी हुई हैं। असल में ये लाइंस नहीं है, हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली नर्वस सिस्टम है जिन्हें हम कहते हैं मांसपेशियाँ, मसल्स हैं, जो इमेज को कैप्चर करती है और इमेज की नॉलेज को ले जा करके भैया हमारे माइंड को दे देती हैं। फिर माइंड इस जो हमारी इमेज बनी हुई है इस इमेज को एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद हमें इसकी इमेज को दिखाता है, बताता है, समझाता है भैया इमेज कहां बन रही है और कैसे बन रही है। तो गाइज यहां पर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देने वाली, क्योंकि नेत्र गोले का व्यास जो होता है, सॉरी निकट दृष्टि दोष नहीं दूर दृष्टि दोष, ये रहा आपका निकट दृष्टि दोष, ये रहा। तो निकट दृष्टि दोष में हमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है लेकिन हमें पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, ध्यान देने वाली बात होगी निकट दृष्टि दोष में। और इसमें हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, इसमें हम अवतल लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए, समझने के लिए और अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा बाय बाय।